सभी को सादर प्रणाम। मैं पंडित कमल किशोर। तो आज आप मेरे साथ जानेंगे नाग पंचमी के बारे में। पौराणिक कथा के अनुसार जन्मजय अर्जुन के पौत्र राजा परीक्षित के पुत्र थे। जब जन्मजय ने पिता की मृत्यु का कारण सर्पदंश जाना तो उसने बदला लेने के लिए सर्प शस्त्र नामक यज्ञ का आयोजन किया। नागों की रक्षा के लिए यज्ञ को ऋषि आस्तिक मुनि ने श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि में रोक दिया और नागों की रक्षा की। इस कारण तक्षक नाग के बचने से नागों का वंश बच गया। आग के ताप से नाग को बचाने के लिए ऋषि ने उन पर कच्चा दूध डाल दिया, तभी से नाग पंचमी मनाई जाने लगी। वहीं नाग देवता को दूध चढ़ाने की परंपरा शुरू हो गई। नाग पंचमी के दिन जिन नाग देवों का स्मरण कर पूजा की जाती है, उन नामों में अनंत, वासुकी, पद्म, महापद्म, तक्षक, कुलीर, करकट, शंख, कालिया और पिंगल प्रमुख हैं। इस दिन घर के दरवाजे पर सांप की 8 आकृतियां बनाने की परंपरा है। हली, अक्षत और पुष्प चढ़ाकर सर्प देवता की पूजा की जाती है। कच्चे दूध में घी और शक्कर नागदेव का स्मरण कर उन्हें अर्पित करें। माना जाता है पंचमी के दिन नाग पूजन से जीवन में सुख समृद्धि आती है तथा सफलता मिलती है। हिंदू धर्म में नाग पंचमी इसलिए भी महत्व रखती है क्योंकि नागों का अस्तित्व महादेव से जुड़ा हुआ है। इसीलिए नागों की पूजा करने से महादेव भी प्रसन्न होते हैं। श्रावण मास की पंचमी तिथि में मंगलवार 2 अगस्त को सुबह 5:13 से लेकर अगले दिन यानी 3 अगस्त को सुबह 5:41 तक नाग पंचमी का शुभ मुहूर्त रहेगा। इस दिन नाग पंचमी के साथ मंगला गौरी व्रत भी पड़ रहा है। धन्यवाद।